गांधीनगर जिल्लामां वधु 8 केस नोंधाया छे। कोरोना मुक्त गांधीनगरमां वध्या छे केस, तो सेक्टर 2 बीमां 2 लोकोने कोरोना पॉजिटिव आव्यो छे। सेक्टर 3 सीमां सेक्टर 24मां एक एक केस पॉजिटिव आव्यो छे, तो गांधीनगरमां पण एक साथे 8 केस नोंधाया छे। तो गुजरात सरकारे करी छे नोडल ऑफिसरोनी निमणूक, विविध राज्यों माटे करी छे आ निमणूक। गुजरात बहार फसायेला लोको संपर्क करी शके ते माटे अधिकारीओनी निमणूक करवामां आवी छे। तो गुजरातमां फसायेला परप्रांतीओ तेमने संपर्क करी शकशे। तो अलग अलग राज्योमां जे लोको फसायेला छे तेओने गुजरात आववा माटे आ तमाम जे अधिकारी छे तेमना फोन नंबर साथे तेमना नाम अने फोन नंबर आपवामां आव्या छे, तेनी साथे तेओ तेमने તેમનો સંપર્ક કરી શકશે અને કઈ રીતની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, ક્યારે તેમને પાછા લાવવામાં આવશે તે અંગે આ તમામ જાણકારી પણ આપવામાં આવી છે। तो गुजरात बहार रहता लोकोने परत लावा माटे महत्वनो निर्णय लेवायो छे। केन्द्रनी गाइडलाइन मुजब परप्रांतीओने पण तेमना वतन परत मोकलवामां आवशे। जे परप्रांती संपूर्ण स्वस्थ हशे तेने ज परत मोकलवामां आवशे। आ माटे 8 आईपीएस आईएएस ने जवाबदारी सोंपवामां आवी छे। गुजरात बहार फसायेला होय एवा लोकोने परत लावा माटे अने अन्य राज्यना जे श्रमिको अथवा व्यापारीओ अथवा छात्रो गुजरात में फसाई गया है इन्हें जे ते राज्य में परत मोकलवा माटे विगतवार गृह मंत्रालय तरफ थी मार्गनिर्देशिका गाइडलाइन आपवामां आवी छे। जे गाइडलाइन गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा आपवामां आवी छे एनुं संपूर्णपणे पालन गुजरात सरकार द्वारा करवामां आवशे। ए प्रक्रिया में गई काले ज अलग अलग राज्यों साथे संकलन साधवा माटे गुजरातना 8 सीनियर आईएएस अने 8 सीनियर आईपीएस अधिकारीओने जवाबदारी सौंपवामां आवी छे। अने वात करीशुं कोरोना योद्धानी।